नमस्कार। आज हम खड़े हैं पूर्वी सिंहभूम के जुगसलाई विधानसभा में, जहां पर कुल 13 प्रत्याशी ने नामांकन किया है। बता दें एनडीए से आजसू के रामचंद्र सहीस यहां पर है मैदान पे, तो इंडिया अलायंस से आपको जेएमएम से वर्तमान में विधायक मंडल कालिंदी जी मैदान में, वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता जो निर्दलीय रूप से लड़ रहे हैं उनका नाम है बीमल बैठा। तो कुल मिला के ऐसे 13 प्रत्याशी है इस बार। जुगसलाई के आम जनता से पूछेंगे यहाँ पर क्या माहौल है, किस मुद्दे से यहाँ पर वोट करेंगे। सर क्या नाम हुआ, पहले नाम बताइए। मेरा नाम राजकुमार शर्मा। शर्मा जी जुगसलाई में ही रहते हैं। सफीगंज मोहल्ला में इस बार जो वोटिंग होगा, क्या सुविधा चाहिए, क्या भूल सफीगंज मोहल्ला में रहते हैं। मेरा तो सबसे बड़ा समस्या मोहल्ला का, आज 9 मार्च से 9 मार्च 2024 से अभी तक पानी का बहुत बड़ा समस्या मार्च से, हाँ, जो कि मैंने बोला गया था कि मैंने पाइप लाइन वहाँ से लगाया जाएगा, क्योंकि तो पाइप लाइन अभी तक लगा भी नहीं, कुछ सुविधा नहीं, नाली का सफाई उधर नहीं होता है। इधर गौशाला नाला रोड जितना भी नदी जाम होता है सबका पानी उधर ही मिलता है। क्या परिवर्तन परिवर्तन की डिमांड हो रही है, परिवर्तन चाहिए कि चल रहा है? परिवर्तन तो जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। सर क्या नाम हुआ अपना, मतलब कि आप बताएंगे क्या है, मतलब जुगसलाई के अंदर क्या माहौल है, क्या रुझान है? सलाई में नाली सफाई, आइए ना सर, आइए आप, कचरा नहीं उठता है, आइए पानी, आइए आइए ना, आइए बोलता क्या है, जी थे पहले जी पाइप लग जाएगा तो चले गए, दूसरा है पासवान जी कोई जी का कोई सुनवाई, तो सफाई में भी काफी समस्या है। समस्या बहुत समस्या। चाचा पानगुंटी आप ही का है? कितने सालों से? 44 साल से। तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े पार्लियामेंट में मीटिंग होती है, यहाँ पर आके जरूर चर्चा होता है उनके ऊपर। क्या है जुगसलाई का इस बार मन, क्या है जुगसलाई का, कैसा रुझान है? हम लोग का तो मन है कि मंगल कालिंदी ही जीतेगा, कम से कम जनता का बीच में आता है, आते बराबर मुलाकात करता है, और कोई कैंडिडेट जीतता है तो एक बार जो जीता सो गायब सो गायब। कालिंदी जी जितना वादा किए थे पूरा किए धरातल पे उतरे, या फिर कुछ कमी बेसी है इस बार पूरा करेंगे? क्या क्या कमी है वो बताइए। एक तो उसने कहा था कि पानी की समस्या हमने दूर कर देंगे, नहीं होता था। दूसरे बोले थे कि नली सफाई हम बात करेंगे नगर पालिका में, वो भी नहीं करा सके। और हम लोग को ज़्यादा उनसे क्या आशा है, कमा कर तो खिलाएंगे नहीं हम लोग को, तो हाँ कमाएंगे तो हम ही लोग। तो कुल मिला के विधायक जी और विधायक से उनका काम थोड़ा अच्छा है, और विधायक से उनका काम आराम है, मिलनसार पब्लिक में रहते हैं, पब्लिक में रहते हैं, चलिए बहुत बढ़िया। सर एक मिनट, क्या नाम हो? सिंह जी कहाँ रहते हैं? इस बार का जो वोटिंग होगा क्या सुविधा चाहिए नगर सरकार से, सरकार में परिवर्तन की डिमांड है, जो सरकार चल रही है उसके वादे किए पूरे हुए हैं, क्या क्या कमी रहा है इस सरकार की? क्या नहीं हो रहा है? बहाली नहीं हो रहा, बहुत बढ़िया। और कहीं ना कहीं रोजगार है। बाबू क्या नाम हुआ? कौन स्कूल में पढ़ रहे हो? गुरु नानक। कितने बच्चे हैं? ये है जुगसलाई, जब जनता देख रहे हैं इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन जो भूल मूल सुविधा है जैसे रोड नाली साफ सफाई, पानी आ जाए, बिजली आ जाए। जो अभी स्थानीय विधायक है वर्तमान में मंगल कालिंदी जी, उनसे जो भी लोगों की डिमांड है वो पूरी हो। मेरा नाम हुआ ब्रजेश पांडे। पांडे जी मैं, हाँ बताइए। मैं जुगसलाई सफीगंज मोहल्ला का रहने वाला हूँ। तकरीबन साल भर होने जा रही है ये सरकार, यहाँ के विधायक, यहाँ का सांसद, यहाँ का प्रतिनिधि, यहाँ जो भी है, हमारे मोहल्ला का एक पानी का समस्या का समाधान नहीं कर पाए हैं। जबकि श्वास के बाद दूसरी सबसे बड़ी जिंदगी का जीने वाला जो चीज होता है वो पानी होता है, पानी, और वो पानी ही नहीं है, आपको हीरा जवाहरात का रूम में घुसा दिया जाए और एक गिलास पानी आपको पीने के लिए दिया जाए, आप जिंदा रहिएगा मरिएगा बताइए? बिल्कुल मर जाएंगे है? तो सोचिए इतना बड़ा सब माने संविधान है, इतना बड़ा सब कुछ सरकार है, और एक छोटा सा, इसको छोटा नहीं बोलिए बहुत बड़ा, हमारे नज़र में बहुत बड़ा है,
हमको ये समस्या का समाधान जो भी नेता और विधायक करेगा मैं उसको ही वोट दूंगा, मैं ऐसा कहता हूँ, अन्यथा सबको गाली दे के भगाऊंगा, भागो यहाँ, तुम्हारा कोई काम नहीं है। क्या लगता है कौन करेगा समाधान? अब कौन है, क्या लगता है कौन करेगा? क्या यहाँ पर तो सब जिसका लाठी उसका भैंस, जिधर मार उधर वाला नहीं बोलेंगे, समझ रहे ना? हाँ, आपका पलड़ा भारी हम आपके ऊपर चढ़ जाएंगे, उसका पलड़ा भारी उसके ऊपर चढ़ जाएंगे। पांडे जी इस बार किधर आपका रुझान है वो बताइए, पांडे जी क्या चाहते हैं? हमारा रुझान कुछ नहीं है, हमारा रुझान एक ही है, नो वर्क नो पेड, नो पेड, नो वर्क नो वोट, काम कीजिए वोट मिलेगा, पोकटिया नहीं।